ये फ्रॉक की एजिंग को मैंने सबसे पहले इसकी बेस लाइन को नेडल और थ्रेड से बनाया है। कभी कभी फैब्रिक थिक होता है तो हम डायरेक्टली क्रोशे हुक नहीं डाल सकते, तो उसे हम नेडल और थ्रेड से कैसे बेस लाइन बनाना है वो सीखेंगे और फिर हम ये बारीक से लेस बनाएंगे इसमें। ये बेस लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने निडल से बनाया है और यहाँ पर थ्रेड को अंदर टाई कर दिया है मैंने। और अब हम लेस बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर अटैच करना है हमें थ्रेड को। ये थ्रेड अटैच हो गया। फर्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, वन सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्पेस में। फिर और नेक्स्ट स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। आप 5 ट्रेबल क्रोशे भी बना सकते हैं अगर आपको बड़ी डिज़ाइन चाहिए तो। ये हम बारीक डिज़ाइन बना रहे हैं, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5th डबल क्रोशे। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब हम यही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एक स्पेस में, वन स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशे या 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये एज पे ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो ये स्टेप को फॉलो करें।